हेलो दोस्तों, बढ़ते हुए ट्रैफिक और पोल्यूशन को देखते हुए महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार कम बाइक महिंद्रा उडो को पेश किया। दोस्तों कहने को तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पर ज़रूरत पड़ने पर आप इसे बिना किसी प्रकार के बैटरी या चार्जिंग के भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें आपको ऑल वेदर प्रोटेक्शन एंड ऑटो स्टेबलाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे आप बाइक चलाते हो तो आपको धूल, गर्दा, गंदगी और रेन का सामना करना पड़ता है ठंड में उसकी, लेकिन अगर आप इसे राइड करो तो आपको ऑल वेदर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है और ये व्हीकल ऑटो स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पेडल असिस्ट सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब कि ये साइकिल की तरह भी आप इसे ड्राइव कर पाएंगे, जिसके द्वारा आप इसकी बैटरी का कम उपयोग कर अपने सेहत का भी ध्यान रख सकेंगे और आप एक स्मार्ट फिट पीपल बन पाएंगे। कंपनी ने पेडल असिस्ट के जरिए आप इसकी रेंज को भी एक्सटेंड कर पाएंगे, या फिर कभी आपका बैटरी रास्ते में ही ख़त्म हो जाए तो आप इसे आराम के साथ पेडलिंग कर अपने घर तक पहुंच सकेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको एसी, हीटर, म्यूजिक सिस्टम, 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ आपको देखने को मिलता है और एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर 2 सीट्स दिए गए हैं जहाँ पर 2 लोग काफ़ी आराम के साथ बैठ सकते हैं और इसमें आपको LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों बात करें इसके लुक्स के मामले में, तो फर्स्ट इंप्रेशन देखने में आपको टोयोटा आयरोड से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है। टोयोटा आयरोड में भी स्मार्ट बैलेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी स्मार्ट बैलेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। बस फर्क इतना है, टोयोटा जापानी कंपनी और महिंद्रा एक प्योर इंडियन कंपनी है, तो अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है तो महिंद्रा की तरफ से आएगी और ये काफ़ी हिट होने वाली है। अगर बात कर लें ये कब तक आएगी, तो यार अभी इसका कोई खास खुलासा नहीं हुआ है, आपको थोड़ा इंतज़ार तो भाई करना ही पड़ेगा। 2 से लेकर 3 साल तक आपको वेट करना है। अब बात करें प्राइसिंग, तो प्राइसिंग भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं यार प्राइस। हालांकि इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो मान के चलिए आप 2 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में इसकी प्राइसिंग होए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइसिंग में कई वेरिएंट्स लॉन्च होते हैं। कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो उसे कई वेरिएंट होते हैं। हो सकता है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर का जो रेंज हो वो और महंगा होते जाए, तो आप मिनिमम तो प्राइस लेके चलेगा भाई 2 से 2.5 लाख तो उसकी प्राइस होने ही वाली है। सो गाइस, प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन मचा हुआ है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस? अपना राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है 2.5 लाख रुपए के प्राइस टैग पे, तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब देर, टेक केयर एंड गुड बाय।